हेलो फ्रेंड्स मोनो मोनोटोल अडमी में आपका स्वागत है सो आज की इस वीडियो में हम साइटोलॉजी पढ़ने वाले हैं साइटोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसके अंदर आप साइटोलॉजी कौन कौन से टाइप्स के होते हैं आप वो सारा डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में सो बेसिकली फ्रेंड्स जो हमारा साइटोलॉजी जो टॉपिक है आप उसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और आपको लास्ट तक वीडियो देखनी है वरना आपको समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली में साइटोलॉजी में है क्या सो ये बहुत ही अच्छा है हम इसमें सेल्स के बारे में पढ़ते हैं डिजीज सेल के बारे में स्टडी करते हैं साइटोलॉजी के अंदर सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ठीक है फ्रेंड्स सो so, सबसे पहले हम साइटोलॉजी के इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन में है साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल्स साइटोलॉजी के अंदर हम सेल्स की स्टडी करते हैं एंड सेल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी हैव डिफरेंट मॉर्फोलॉजी विच कैन बी स्टडीज अंडर द माइक्रोस्कोप सो क्या है फ्रेंड्स इसके अंदर साइटोलॉजी के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की टिश्यूज के बारे में सेल्स के बारे में स्टडी करते हैं सेल्स फ्रेंड्स जो हमारे बॉडी के अंदर है डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के शेप होती है उनकी मॉर्फोलॉजी अलग अलग होती है ठीक है जिसे हम माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हैं सो ड्यूरिंग सर्टेन फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल कंडीशन द नॉर्मल मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल्स चेंज अगर आपके बॉडी के अंदर कोई फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल कंडीशन है ठीक है पैथोलॉजिकल कंडीशन मीन्स कोई डिजीज सेल आपकी बॉडी में है तो उसे आप क्या कर सकते हैं उसको स्टडी कर सकते हैं उसकी मोर्फोलॉजी को आप क्या करेंगे फ्रेंड्स उस टाइम पे जो डिजीज सेल है पैथोलॉजी सेल है और जो नॉर्मल सेल है उन दोनों के बीच में हैेंशिएट करके माइक्रोस्कोप में स्टडी करके आप उसे पता लगा सकते हैं द ब्रांच ऑफ साइटोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ दिस चेंजेस इज डायग्नोस्टिक साइटोलॉजी इसको हम डायग्नोस्टिक साइटोलॉजी भी कहते हैं द मोर्फोलॉजिकल चेंजेस ऑफ सेल्स गिव एन इंडिकेशन ऑफ डिजीज कंडीशन ऑफ दैट पर्टिकुलरली ऑर्गन तो so, क्या है फ्रेंड्स जो बेसिकली जो हमारी मॉर्फोलॉजी चेंजेस होती है सेल्स के अंदर वो हमें क्या इंडिकेशंस देती है हमें ये बताती है कि हमारी बॉडी के अंदर कोई डिजीज कंडीशन है ठीक है कोई बीमारी है जिसकी वजह से हमारी सेल्स जो है वो डैमेज हो रही है या फिर चेंज हो रही है तो दी डिफरेंट ब्रांचेज इन डायग्नोस्टिक साइटोलॉजी आर अब हम क्या करते हैं साइटोलॉजी को डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज में स्टडी करते हैं सबसे फर्स्ट है हमारा एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी ठीक है एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी दिस इज द स्टडी ऑफ सुपरफिशियल सेल विच हैव बीन एक्सफोलिएटेड और शेड फ्रॉम द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन तो क्या है इसके अंदर जो हमारे सुपरफिशियल होते हैं सेल्स ये उनको कहते हैं एक्सफोलिएटिव जो हमारा सेल है वो दे डिफरेंट ऑर्गन्स में भी प्रेजेंट है सो दिस ऑल्सो इंक्लूड द स्टडी ऑफ सेल्स विच हैव बीन स्कैप्ड The surface, superficial cell, which are shade in body fluid like urine, sputum, pleural fluid, peripheral fluid, etc., given an idea about disease to that particular organs of the technique of the mostly used for the early detection of cancer. सो so बेसिकली क्या है फ्रेंड्स इसके अंदर जो हमारे ये जो सुपर फेसियल सेल्स हैं यहाँ पर ये इसमें शेड जो होती है कौन कौन से फ्लूड होते हैं इसमें यूरिन आता है स्पूटम आता है प्लूरल फ्लूड आता है पैरोल फ्लूड भी आते हैं सो so, बेसिकली जो डिजीज है पर्टिकुलरली ऑर्गन में ये मोस्टली क्या होते हैं इसमें कैंसर के डिटेक्शन में भी हेल्प करते हैं सो फ्रेंड्स सेकेंड है हमारा हॉर्मोनल साइटोलॉजी हॉर्मोनल साइटोलॉजी के अंदर दिस सेल्स प्रेजेंट इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अंडरगो चेंजेस विद द इफेक्ट ऑफ टू हार्मोन्स ऑफ ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन द स्टडी ऑफ दिस सेल्स हेल्प इन द असेसमेंट ऑफ द हार्मोन्स इन द केस ऑफ प्रेगनेंसी फर्टिलिटी एक्सेट्रा सो फ्रेंड्स क्या है जो हार्मोनल साइटोलॉजी है बेसिकली फीमेल्स की अगर बात करें तो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है उसमें जो हार्मोन्स है ऑस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन उसकी स्टडी में भी हेल्प करता है ठीक है ये जब आप सेल्स की बात करते हैं तो जहां जहां आपके सेल्स प्रेजेंट है अगर बाई चांस वहां पे कोई इन्फेक्शन हुआ है या फिर आप उस चीज को स्टडी करना चाहते हैं उस डिजीज को स्टडी करना चाहते हैं तो आप सेल्स के अकॉर्डिंग भी उसकी मोर्फोलॉजी देखकर आप उसकी स्टडी कर सकते हैं ये आपकी हेल्प करता है ठीक है देन फ्रेंड्स आता है हमारा एस्पिरेशन साइटोलॉजी सो सेल्स एस्पिरेट फ्रॉम स्वेलिंग एंड डीप सीटेड ऑर्गन्स यूजिंग सिरिंज एंड नीडल आर स्टडीड इन एस्पिरेशन साइटोलॉज एस्पीरेशन साइटोलॉज का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स जो काफी ऑर्गन है तो दैट इज कॉल्ड एस्पिरेशन साइटोलॉजी एस्पिरेशन साइटोलॉजी कब करते हैं स्वेनिंग के केस में भी कर सकते हैं आप ठीक है निडल को इंसर्ट करके उसमें सेल पिक करके आप उसकी स्टडी कर सकते हैं सो एडवांटेज ऑफ साइटोलॉजी साइटोलॉजी की क्या क्या एडवांटेज है साइटोलॉजिकल प्रोसीजर आर मोर सिंपल रैपिड एंड लेस एक्सपेंसिव देन हिस्टोपैथोलॉजी सो जो साइटोलॉजी का जो जो भी एक्सपेरिमेंट है या फिर आप कह सकते हैं कि उसके जो भी कॉस्ट है स्टडी में वो क्या है कॉस्टली नहीं है कोई भी बंदा जो भी जो परचेज नहीं कर सकता टेस्ट के लिए वो भी ये करवा सकता है ठीक है सो इट पेनलेस प्रोसीजर विच कैन बी रिपीटेड इन फॉलो अप केसेस सो इट इज ए यूज फॉर मासनिंग या डिटेक्शन ऑफ कैंसर सो बेसिकली क्या है ये बहुत ही पेनलेस होता है ज्यादा पेन नहीं होता है इसमें साइटोलॉजी के केस में और जस्ट बेसिकली स्क्रीनिंग के लिए जो भी फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि कई सैंपल्स ऐसे होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट दोबारा आ जाती है जैसे कि सीएसएफ अगर सैरब्रो स्पाइनल फ्लूड दोबारा निकालने की नौबत आ गई है तो फिर ऐसे कुछ ऐसे फ्लूड्स होते हैं जिन्हें हम दोबारा निकाल सकते हैं कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम दोबारा नहीं निकाल सकते किसी भी हालत में वो काफी ज्यादा कॉम्प्लीकेटेड प्रोसीजर से वो सैंपल निकला होता है बट जो इन द केस ऑफ साइटोलॉजी के केस में आप कभी भी सैंपल ले सकते हैं उसमें सेल्स की सैंपल्स कभी भी ले सकते हैं इट्स टू इजी एनएचपी बी ह्यूमन पेप्लोमा वायरस को भी हम इसमें डिटेक्ट कर सकते हैं एंड कैंसर के केस में भी किया जाता है साइटोलॉजी ठीक है सो यूजेस ऑफ एक्सपोलेटिव सैटोलॉजी यूजेस क्या क्या है फ्रेंड्स एक्सपोलेटिव साइटोलॉजी के सो फर्स्ट है हमारा डिटेक्शन ऑफ कैंसर कैंसर के डिटेक्शन so, में हेल्प करता है ये साइटोलॉजी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन दी एयरलियर डिटेक्शन ऑफ कैंसर इन एरियाज लाइक फीमेल जेनाइटल ट्रैक रेस्पेरेटरी ट्रेक ट्रैक रेस्ट्रेशनल ट्रैक एक्सेट्रा बेसिकली so क्या है जो डिटेक्शन साइटोलॉजी के अंदर करते हैं है, फीमेल के एरिया है, है यहां पर कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं तो उसके डिटेक्शन में भी हेल्प करता है हमारा एक्सपोरेटिव साइटोलॉजी सो असेसमेंट ऑफ हारमोनाइल स्टेटस असेसमेंट क्या क्या है हारमोनाइल स्टेटस के सो so हारमोन इन्फ्लुएंस ऑफ द मोर्फोलॉजी ऑफ सेल्स सो इट इज यूजफुल इन दी असेसमेंट ऑफ फीमेल हॉर्मोन्स लाइक ऑस्ट्रोजन पोलेस्ट्रॉन एस केसेज ऑफ प्रेग्नेंसी स्टिलिटी ठीक है दी स्टीडी ऑफ विजाइनल स्मियर हैज असिस्ट हार्मोनल स्टेटस ऑफ द फीमेल जेनाइटेड ट्रैक जो बेसिकली क्या होता है असेसमेंट ऑफ हार्मोनल स्टेटस का मतलब क्या फ्रेंड जो ओस्ट्रोन ओस्ट्रोन जो ओजेस्ट्रोन है और प्रोजेस्ट्रोन है जो फीमेल्स हार्मोन्स हैं इनमें क्या होता है प्रेगनेंसी के केस में क्या करते हैं वेजाइनल स्मीयर बनाते हैं क्योंकि कोई सेल्स में कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है उसका पता लगाने के लिए ठीक है फ्रेंड्स फीमेल का जो जेनाइटल स्टेटस है उसको पता लगाने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं सो डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शन में भी हेल्प करता है असेसमेंट ऑफ हॉर्मोल स्टेटस में भी हेल्प करता है साइटोलॉजी डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शन में किस तरह से हेल्प करता है फ्रेंड्स सो साइटोलॉजिकल एक्जामिनेशन हैज स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ इन इन्फेक्शन ऑफ फीमेल जेनाटल ट्रैक डायजेस्टिव ट्रैक रेस्पिरेटरी ट्रैक, यूरिनेट ट्रैक डिफरेंट लाइक ब्रेस्ट, लीवर एक्सेट्रा सो इनफेक्शन के डायग्नोसिस में भी हेल्प करता है आपने देखा होगा कि जो भी फीमेल जेनाइटल इन्फेक्शन है यूरिने इन्फेक्शन है डिफरेंट टाइप्स के इन्फेक्शन है उनको डायग्नोज करने के लिए ये हेल्प करता है ठीक है सेक्स डिटर्मिनेशन सेक्स डिटर्मिनेशन में भी हेल्प करता है हमारा एक्सपोलेटिव साइटोलॉजी so scarping from the buccal mucosa are the uses from direction of the, uh, bar bodies bar bodies the sex chromosomes which is seen only in female in abnormal condition the person having more than one x chromosome also प्रोसेस बार बॉडीज सो सेक्स डिटर्मिनेशन किस तरह से करता है फ्रेंड्स सो बेसिकली क्या है जो सेक्स सेक्स डिटर्मिनेशन है वो हम बकल म्यूकोसा क्या जो हमारी बकल म्यूकोसा है उसके जरिए भी कर सकते हैं हम बार बॉडीज पता कर सकते हैं जो बार बॉडीज होती है बेसिकली फीमेल्स में देखी जाती है वो क्या होता है कि ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है जिसके अंदर जो एक सेक्स क्रोमोजोम है वो इंक्रीज हो जाता है ठीक है बार बॉडी की फ्रेंड्स वीडियो बनी होगी अगर आपको देखनी है तो आप हमारे चैनल पे वो भी देख सकते हैं सो कलेक्शन ऑफ स्पेसिमैन हम किस तरह से साइटोलॉजी के कलेक्शन करते हैं सो टेक्नीशियन आर वेरी रेडली इन्वॉल्व इन दी कलेक्शन ऑफ स्पेमेन ठीक है फ्रेंड्स सम ऑफ दी स्पेसिमैन आर कलेक्टेड बाय द पेशेंट और नर्सेस सो बेसिकली क्या है कुछ सैंपल टेक्नीशियन की निगरानी में ली जाती है कुछ नर्सेज की निगरानी ले जाते हैं दिस इंक्लूड यूरिन स्पूटम गेस्ट इंटेडन स्पेसिमेन जो होते हैं नर्सेस की निगरानी में मेजोरिटी ऑफ दी स्पेसीमेन आर कलेक्टेड बाय दिजिशियन ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट ऑफ द इंक्लूड वेजाइनल एंड सर्विकल ब्रिस्ट सेक्शन एंड स्पेसिमेन फ्रॉम द स्वेलिंग एक्सेट्रा सो यहाँ पर क्या है कि सैंपल लेने के लिए भी फिजिशियन की जरूरत पड़ती है नर्सेस की जरूरत पड़ती है और टेक्नीशियन की जरूरत पड़ती है ठीक है फ्रेंड्स सो so, अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स कि इसमें स्पेसिमेन आपको क्या क्या लेना है बेसिकली हमारे जेनाइटल ट्रैक या फिर ट्रैक रेस्परेटरी ट्रैक रिलेटेड है तो इसमें हम यूरिन सैंपल ले सकते हैं ठीक है स्पूटम ले सकते हैं बोन जो बोन बोन का है बोन की स्टडी के लिए उसके सेल्स ले सकते हैं ठीक है फ्रेंड्स सो so, ये सब स्पेसिमिस्ट जो है इसमें कलेक्ट करते हैं हम साइटोलॉजी में ठीक है सो फ्रेंड्स ये था हमारा साइटोलॉजी साइटोलॉजी के अंदर हमने आपको उसके एडवांटेज डिस्डवांटेज बताए हैं एंड देन कि, किस किस टाइप की हमारी साइटोलॉजी होती है और हम क्या क्या सैंपल लेते हैं सो so, ये था हमारा साइटोलॉजी बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है आपको इजिली समझ में आ गया होगा अगर इसके और भी अगर कोई डाउट्स हैं आपके तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं फ्रेंड्स ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स चैनल को क्योंकि न्यू वीडियो की अपडेशन आपको सब्सक्राइब करने के बाद ही मिलती है सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच